नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में निवेश के मेगा शो का आयोजन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ पहुंचकर 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। बता दें, आज समिट का आखिरी दिन है और इस समिट का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। वहीं यूपी सरकार का दावा है कि यह देश की सबसे बड़ी समिट है। इसमें 16 देश की 314 कंपनियां शामिल हुई हैं। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तीसरे दिन राष्ट्रपति मुर्मू के साथ सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल व सोम प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज तीसरा दिन है, आज क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए मयूरी, आज जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन है, आज तीसरा दिन है। आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी और इस समापन की घोषणा भी करेंगी। अगर बात की जाए तो अभी अभी 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर जो है वो सलोनी फाउंडेशन के प्रतिमंडल के साथ योगी आदित्यनाथ की मीटिंग चल रही है। इसके बाद 10:45 पे यूके यूनाइटेड किंगडम सत्र का वृंदावन योजना में दधीची हाल में शुरुआत की जाएगी। इसके बाद 11:15 के करीब जो है एलेक्स चौक माननीय मंत्री यूनाइटेड किंगडम के साथ भी बैठक होगी सीएम लाउंज में। इसके बाद 11:30 बजे के करीब इटली के प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम लाउंज में बैठक है। दोपहर 12:30 बजे के करीब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगी, एमओसी एयरपोर्ट। उसके बाद वहां से लगभग 1:45 पे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ 5 कालिदास मार्ग पे मीटिंग है मुख्यमंत्री की। इसके बाद 3:40 के करीब राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो 75 महिला उद्यमी है उनके साथ एक फोटो सेशन होगा, सम्मान होगा उनका। और 3:45 पर राष्ट्रीय महोदया द्वारा जीआईएस के समापन की घोषणा की जाएगी। इसके बाद 6:30 बजे के करीब जो है राष्ट्रपति महोदया का सम्मान में नागरिक अभिनंदन सम्मान में लोक भवन ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और करीब 8:15 बजे राष्ट्रपति महोदया के साथ एक रात्रि भोज का आयोजन किया जाना है मयूरी। जी विवेक, अगर मैं सुरक्षा की बात करूं या ट्रैफिक को लेकर रूट डायवर्जन की, उसकी क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर देश का प्रथम नागरिक अगर किसी शहर के या जिले के या फिर अलग स्टेट के दौरे पर होता है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता होती है। उसकी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होती है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वो देश के राष्ट्रपति हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी बेहतरीन की हुई है। और उनको जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था मिलती है वो तो उनको मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी जो है देश की खुफिया एजेंसियाँ अलर्ट रहती हैं। और जो जिस स्टेट में उनका प्रोग्राम होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में आज उनको आना है, यहाँ उनको सम्मिलित होना है, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी सुरक्षा व्यवस्था उनके सुरक्षा के लिए लगा के पूरा रहती है। जहाँ तक कि ट्रैफिक की बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला है। हालांकि छोटी मोटी दिक्कतें देखने को मिली है पहले और दूसरे दिन, लेकिन अब तक जो है कोई ऐसी बड़ी दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मोहनलालगंज में पहले दिन में दिक्कत हुई थी, भारी वाहनों के प्रवेश के बावजूद भारी वाहन जो है वो घुस गए थे नो एंट्री जोन में। उसके बाद भी कल भी थोड़ी बहुत अव्यवस्था देखने को मिली थी, लेकिन कोई ऐसी बड़ी अव्यवस्था नहीं देखने को मिलती जिससे किसी वीवीआईपी को दिक्कत हुई हो। मयूरी, विवेक, अगर मैं निवेश की बात करूँ तो आज 35 लाख करोड़ निवेश पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, अब तक 33 लाख करोड़ के एमओयू के साइन होने की भी बात चल रही थी। हर दिन कुछ न कुछ नया उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है, हर दिन कुछ न कुछ नया उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जितना ज़्यादा निवेश हो सके उत्तर प्रदेश में हो, ताकि यहाँ निवेश होगा तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो सुधरेगी। और जो मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, उसको पा सकेंगे। और जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की, उसको संपूर्ण करते हुए उत्तर प्रदेश नजर आएगा, उत्तर प्रदेश एक बड़ा सहयोग करते नजर आएगा। और जो लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं उनको जो है वो रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। लाखों की संख्या में रोजगार की बात सरकार लगातार कह रही है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो जितना ज्यादा निवेश होगा रोजगार की संभावना उतनी प्रबल होगी। मयूरी, विवेक, आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी दिन है, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, हमने लोगों से भी बात की, जनता से भी बात की, तो
सब में एक उत्साह लग रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, क्योंकि इस समिट को लेकर लखनऊ को चमकाया गया है, लखनऊ को सजाया गया है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन जा रहा है जनता में कि लखनऊ जो है और अच्छा दिख रहा है, साफ सफाई और ज़्यादा हो रही है, बेहतर हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अभी भी थोड़ी सी जागरूकता कम है, लेकिन उनको ये भलीभांत पता है कि किस दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस दिन राष्ट्रपति आ रहे हैं। समिट के बारे में वो जाने या ना जाने कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, ये सबको बाकायदा पता है। और इस समिट के बारे में जो जिन लोगों से हमने बात की, प्रबुद्ध लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ऐसे समिट होते रहना चाहिए, लेकिन धरातल स्तर पर भी इनके काम दिखने चाहिए, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट से रोजगार पैदा होंगे और देश और प्रदेश के विकास के लिए रोजगार बेहद जरूरी है। जी विवेक, राष्ट्रपति मुर्मू का आज लखनऊ में आगमन होगा, तो कितने बजे तक राष्ट्रपति मुर्मू लखनऊ में पहुंचेंगी, कब से कार्यक्रम उनका शुरू होगा? देखिए, मैंने मयूरी आपको बताया था कि 12:30 बजे वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी, तकरीबन 3:30 बजे के करीब जो है जो 75 महिला उद्यमी है उनके साथ एक फोटो सेशन होगा उनका। 12:30 बजे वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी, उसके बाद वो कार्यक्रम स्थल पर जाएंगी, 3:45 बजे तक वो वहाँ से प्रस्थान कर लेंगी, तमाम तरह की चीज़ें हैं। इसके बाद 6:15 बजे करीब लोकभवन में इनका एक सम्मान कार्यक्रम होगा, फिर 8:15 बजे करीब रात्रि भोज में राष्ट्रपति महोदया सम्मिलित होंगी। 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति महोदया हैं, इसके बाद 2 दिवसीय दौरे पर भी राष्ट्रपति महोदया हैं यहाँ पे। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। G20 के प्रतिनिधियों की विजिट के लिए ASI ने 7 फरवरी को जारी आदेश में 12 फरवरी को सुबह से शाम तक आम पर्यटकों के लिए ताजमहल को बंद रखने का आदेश जारी किया है। बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते विदेशी मेहमान दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल का दीदार करने जाएंगे। बता दें, विदेशी मेहमानों के लिए संगमरमर की इमारत में विदेशी मेहमानों का शाही रॉयल वेलकम होगा। इसके लिए पूरी ताज नगरी को जमकर तैयारियां की गई है। बता दें, 9 बजे से 10 बजे तक होटल ताज कन्वेंशन में विदेशी मेहमानों का ब्रेकफास्ट होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुनिया में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद शाम 4 बजे ताजमहल का दीदार करेंगे विदेशी मेहमान। इस खबर पर हमारे संवाददाता जिशान हमसे जुड़ेंगे। जिशान, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है, आप आगरा में मौजूद हैं, वहां क्या कुछ खास तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो G20 देशों के प्रतिनिधि मंडल हैं, कल ताज कन्वेंशन होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी, वहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आई थी, और फिर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो विदेशी मेहमान थे उन्होंने कल रात को आगरा लाल किले का स्वागत किया था, और लाल किले पर उनका शाही स्वागत किया गया रॉयल वेलकम के साथ। वहीं देश की तमाम संस्कृतियों के साथ उन कई कार्यक्रम लाल किले में किए गए थे। और आपको बता दें, आज जो डेलीगेशन है आज दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल का दीदार करेगा, 4 बजे वो ताजमहल में पहुंचेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आज भी डेलीगेशन का एक सत्र चलेगा, जिसमें दुनिया में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। जी जिसान, आज कौन कौन दिग्गज शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई थी, और केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी शामिल हुए थे। आज भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की आने की संभावना है। और जी जिशान, आम पर्यटकों के लिए ताजमहल को आज बंद कर दिया गया है, वहीं विदेशी मेहमान आज ताजमहल का दीदार करेंगे, तो वहां कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, विदेशी मेहमानों के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा की जा रही है, ड्रोन से यहाँ पर सुरक्षा की जा रही है,
और आपको बताना है कमांडो पैरामिलिट्री तमाम फोर्स यहाँ पर आगरा पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। और ताजमहल की बात करें हम तो ताजमहल पर अभी कई दिनों से, दो दिन पहले भी आगरा पुलिस कमिश्नर ने कमांडो तमाम फोर्स के साथ पैदल निरीक्षण किया था। आपको बता दें हम ताजमहल पर जिस तरीके से निगाहें रखी जा रही हैं, खुफिया एजेंसियां और तमाम विभाग अलर्ट हैं। जी जी धन्यवाद जीशान तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।